Welcome to another episode of UUICI Ultimate Useful Information Channel of India. दोस्तों हमें बहुत सारे फीडबैक आ रहे थे अबाउट द माइक्रोफोन, तो ये लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है माउनो AU360TR माइक्रोफोन। इसकी कंप्लीट हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस वीडियो में, और इसका जो सेकेंड पार्ट है वीडियो का, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उसमें हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत से वॉइस टेस्ट किए हैं अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस। आइए दोस्तों जल्दी से शुरू करें। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे पास 100+ इसी प्रकार के यूजफुल वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ये रहे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों ये 1499 में फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, और बाकी सारे डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दिए हैं कि बॉक्स के अंदर क्या आता है और सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसको पॉज कर लीजिएगा और स्क्रीन में आप ये पढ़ सकते हैं। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। ये रहा बॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया था मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो एक बिल और एक ये इसका ओरिजिनल बॉक्स जो है माउनो का, ये आपको मिलता है। कंडेंसर माइक्रोफोन किट इसके ऊपर मेंशन्ड है, और AUPM360TR ये इसका कोड है। दोस्तों पीछे तरह का आप देखेंगे तो थोड़े स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन उसके मेड इन चाइना और बाकी डिटेल्स हैं, और इसमें अगर आप देखें तो छोटे लोगोज बने हुए हैं साइड में बॉक्स के, कि कंडेंसर है, कार्डियो पोलर प्लेटफॉर्म है। ये दोस्तों ज़रूरी है कार्डियो पोलर प्लेटफॉर्म समझना आप लोगों को, क्योंकि कुछ यूनिडायरेक्शनल आते हैं फोन्स और कुछ मल्टी डायरेक्शंस आते हैं। सो जिनको भी उसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए वो आप ज़रूर रिसर्च कीजिएगा। ओपन होने के बाद में इस तरीके से बॉक्स के कंटेंट्स हैं। ये मैंने समय बचाने के लिए सारे एज इट इज़ ओपन करके साइड में रख दिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रैपर है उसमें से माइक निकाल के, दिस इज द माइक। हैवी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ मीडियम इसकी जो है वेट है। ये मुझे लगा पहले कि बहुत थिन मेटल का इसका जो लाइनिंग बनी हुई है, जो मैश हम बोलते हैं वो है, बाकी इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये इसके ऊपर की एक विंडशील्ड या पॉप फिल्टर कैप है, साथ में मैनुअल है जो आप सब जानते हैं दोस्तों हम कितना पढ़ते हैं और कितना नहीं, पर फिर भी कवर करना था इसलिए मैंने दिखा दिया। ये है ट्राईपॉड स्टैंड, ये काफ़ी हैवी है क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है और काफ़ी स्टेबिलिटी देता है। ये रहा दोस्तों वाई स्प्लिटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के थ्रू आप अपने लैपटॉप और इसी के थ्रू आप अपने मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। इसमें एक माइक्रोफोन इंसर्ट होता है और एक जगह पर आपका हेडफोन इंसर्ट होगा, और ये वाला हिस्सा जो है ये मोबाइल के स्लॉट में जाता है। ये इसका होल्डर है जो ट्राईपॉड के ऊपर काम में आएगा, आगे हम देखेंगे किस प्रकार से ये होल्ड कर लेता है। ये भी प्लास्टिक का बना है, और ये उसको टाइट करने के लिए एक स्क्रू जिसमें वो फिट होता है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से फिट करना। जो लोग बिल्कुल नए हैं या पहली बार ऑर्डर कर रहे होंगे उन्हें काम में आएगी ये इन्फॉर्मेशन। एंड नाउ द कॉर्ड लेंथ इज़ वेरी डिसेंट इनफ, इसमें एक गोल्ड टिप दी हुई है, और यही वो 3.5 mm का है दोस्तों। और ये दरअसल आप डायरेक्टली मोबाइल और लैपटॉप में नहीं कनेक्ट कर सकते, ये उसका दूसरा हिस्सा है जो माइक्रोफोन से कनेक्ट होता है। क्वाइट स्टर्डी एंड ड्यूरेबल, ये मैंने एक थोड़ा फोकस करके आपको क्लैरिटी में दिखाने की कोशिश की। आइए दोस्तों जल्दी से माइक और ट्राईपॉड का इंस्टॉलेशन देख लें। ये मैं बना रहा हूँ अपने उन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए जो फर्स्ट टाइम इसको ऑर्डर कर रहे हैं। इस प्रकार का जो माइक होल्डर है उसको आपको ट्राईपॉड को में आपको उसमें स्क्रू दिया है, आपको उसको थोड़ा सा ठीक से अलाइन करके एंगल पर घुमाना है, उससे वो कस जाता है, और उसके बाद में जो है आप इसको एक एंगल पर पर्टिकुलरली अपने माइक को रख के, ये देखिए नीचे इसका स्लॉट खुलता है जिसके अंदर पे कि इसका जो केबल कॉर्ड है वो जाता है, अपने आप अटैच हो जाएगा, एंड इट्स वेरी स्टेबल एंड इट्स गुड टू यूज़। इसके बाद में जो है आप इसको रख सकते हैं, स्टेबिलिटी आती है, आप उसके बाद में इसके ऊपर की कैप लगा सकते हैं। मुझे कैप थोड़ी सी एक तरफ से डिफॉर्म आई थी, बट ओवरऑल इट्स गुड। अब देख लेते हैं कंप्लीट लुक्स, जब हम लगा चुके तब।
ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग हमने कर ली, लेकिन इसका एक कंप्लीट डिटेल मैंने टेस्ट किया है जिसके अंदर वॉइस टेस्ट है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, मोबाइल कनेक्शन कैसे करना है, नॉइस कैंसिलेशन, कॉलर माइक के साथ में कंपैरिजन, हैवी ट्रैफिक अगर हो तो किस प्रकार से आवाज़ आती है, इवन घर में कुकर अगर आपका बज रहा हो और अगर मिक्सर का काम शुरू हो उसमें भी ये कितना नॉइस कैंसिलेशन करता है, ये सारे एक मोस्ट डिटेल कंपैरिजन मैंने वीडियो बनाया है। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको ज़रूर देखें दोस्तों, तब आपको कंप्लीट क्लैरिटी आएगी कि आपको मोनो AU 360 TR खरीदना चाहिए कि नहीं। और जाते जाते दोस्तों एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो आप ज़रूर इसको लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।